गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्तुते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाये तुलसीचंद्रये प्रियाये केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवे सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रह्मिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रह्मिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग दो दिन पहले श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा मक्खन चोरी की और मक्खन चोरी करने पर मैया यशोदा ने कृष्ण को कैसे उद्धू खल में बांधने जा रहे थे। कहाँ तक हमने कथा की थी बोलो। हाँ वहां पर मैया यशोदा ने दूध चूल्हे में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। इधर ये दूध उपन रहा था, इधर कूद भी उपन रहा था, इसलिए कृष्ण मैया बोली दादा थोड़ी सी तू नीचे बैठ जा, ये दूध उपन रहा है, उसको दूध पर मैं रखा करके आऊ। कृष्ण बोले अभी मेरा आधा पेट ही नहीं भरा और तू कह रहे हो गोद से उतर जा, मेरे को भरपेट दूध पिला करके तब जाया करो। अभी मैया यशोदा सोच रही है इधर दूध भी उफन रहा है, इधर कूद भी उफन रहा है, ये दोनों उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले मेरे स्तन में जो दूध है मैं लाला को किसी समय भी पिला सकती हूँ, लेकिन अगर ये दूध उफन करके गिर जाए आग में कहते एक बच्चा का अमंगल होता है, इसलिए कभी दूध उफन करके आग में नहीं गिरनी चाहिए। और दूसरा कारण जो दूध उफन करके गिरता है वो मलाई उसे नहीं बनती, अगर मलाई नहीं होगा तो मक्खन कहाँ से निकलेगा, मक्खन नहीं होगा तो कृष्ण को खिलाएंगे कहाँ से। इसलिए मैया यशोदा ने वृद्धा उतर जा, बोले नहीं, जैसे बंदर का बच्चा जैसे मैया को इसे पकड़ लेता है ना, ऐसे ही कृष्ण मैया को जोर से पकड़ लिया। मैया ने बोले बैठोगे नहीं, बोले नहीं, बोले बैठोगे नहीं कैसे, जोर जबरदस्त पकड़ करके बैठा दिया। तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब केवल छह दिन के थे उतना जैसे इतने बड़े राक्षसी जो कृष्ण को छुड़ाने के लिए कोशिश की लेकिन कृष्ण को टस से मस तक भी नहीं कर पाए, लेकिन आज कृष्ण हो गए 2.5-3 साल के
लेकिन मैया ने उनको पकड़ करके जोर जबरदस्ती बैठा दिया। कृष्ण का जितने ताकत शब्द सब खत्म। बोले क्यों, ऐसे क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, भगवान कृष्ण केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम को सामने उनकी कुछ भी नहीं चलता है। मैया क्या मानती है, मेरे लाला है, तुमने गोद से जन्म लिया, हमारे गोद से तुमने जन्म लिए हो, इसलिए उनको ऐसे को ऐसे बैठा दिए। और कृष्ण रोते रोते ही रह गए। और मैया जाकर के जो दूध उफन रहा था, पानी की छिड़काव देकर के उन्होंने दूध को रख दिया। देखना बच्चे को जब क्रोध आए, जो सामने मिले ना सब तोड़ फाड़ कर देते हैं। देखा वहां पर एक सील बट्टा पड़ा हुआ था, और उठाया और मारे, किसमें, मटके के मार दिए। जब मार दिए इतने में मटके फूट गई और सबके सब बन गया था बट्टा छाछ, और धीरे धीरे निकलने लगी। बस कृष्ण खुश हो गए, इतना बड़ा मैंने काम कर दिया, मटकी मैंने फोड़ दी। जब सबके सब निकल गया, कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैया आएगी, अगर देखा मटकी फूट गई ना, डंडा एक नीचे नहीं सब पीठ ऊपर पड़ेगा। इतने में कृष्ण वहां पर मटकी फोड़े जा करके फिर दूसरे घर में चले गए। और जा करके उन्होंने उखल के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने जो था दही मक्खन उसको उतारे, जितने बंदर और कौओं को बुला लिए। बोले लो ये सबके सब मक्खन और दही खाओ। बोले क्यों, बोले जो कौए और जो बंदर है ना, ये बंदर कौन है? बोले ये सबके सब हनुमान की वंशज है जो राम लीला में बिना भगवान किसको खिलाया नहीं, वो अपने आप जंगल से खाल करके राम के लिए उन्होंने घोर परिश्रम किया। बोले राम लीला में तो मैं कुछ खिला नहीं पाया, कम से कम कृष्ण लीला में तो कुछ खिला दो मक्खन खा। बोले ये कौए कौन है? बोले ये काग भूषण के वंशज है। ये काग भूषण क्या करता है? कहते हैं नीलगिरी पर्वतों पर बैठ करके राम कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। इसलिए बोले भैया तू मेरी कथा सुनाता है ना, मक्खन खा। कृष्ण शिक्षा देते हैं, जो भगवान की कथा सुनाएगा ना, जो भगवान की सेवा करेगा, क्या मिलेगा? बढ़िया चटापट मक्खन मिश्री और फल। इसलिए हम लोग जो भक्तों को घर में जाते हैं ना, चकाचक मिलता है, अरे बढ़िया बढ़िया मिठाई, रसगुल्ला, राबड़ी, रसमलाई, ये चकाचक बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। इसलिए उनको सबके सब खिला रही थी। थोड़ी देर बाद में जो मैया आती है, देखती है मटकी फूटी हुई और घर में पूरा के पूरा घर में छाछ दही सब फैला हुआ। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बलि पहले कोई पीतल सिल्वर की कोई पात्र नहीं होता था, पहले हर चीज मिट्टी में बनता था। किसने किसने मिट्टी पात्र में खाना बनाया, हाथ उठा तो, कौन कौन मिट्टी पात्र में खाना बनाए? आप लोगों ने बनाया हो? अब देखना आप कंडे में नहीं तो लकड़ी से, लकड़ी के द्वारा आप मिट्टी का पात्र में खाना बनाओ, देखना इसमें स्वाद देखना। और गैस के ऊपर में पीतल नहीं तो स्टील सिल्वर किसी चीज को तरह खाना बनाओ, देखना खाना है ना पूरा पूरा अलग होगा, वो खाना वो टेस्ट नहीं आएगा जो मिट्टी के पात्र में जो टेस्ट आएगा। इसलिए आप देखना जितने पुरना पुरना देवालय है, जैसे जगन्नाथपुरी चले जाओ है, आप देखोगे अभी भी मिट्टी के पात्र में ही खाना बनेगा है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में मिट्टी की सही बनेगा, और लकड़ी से बनेगी, और किसको द्वारा नहीं, लकड़ी से और मिट्टी की पात्र से ही खाना बनती है। बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, हाँ तिरुपति बालाजी चले जाओ, अभी भी वही पुरानी प्रथा अभी भी चलते ही आ रहा है। अभी इतने बीमारी क्यों हो रहा है लोगों को? कारण है जो प्योर जो चीज है ना, लोगों को प्योर चीज नहीं मिलती है, सबके सब आर्टिफिशियल गैस और सिल्वर और स्टील ये सब बर्तन से खाना बनती है। इसलिए ये प्रदूषण से क्या हो रहा है, धीरे 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 सब बीमारी सब हो रहे हैं। इतने में मैया तो जो मटकी, आप लोगों ने कभी दधी मंथन कभी करना देखना, कभी ये मटकी घी पी 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 कर ना, वो मटकी एकदम मजबूत हो जाता है, हाँ मजबूत हो जाता है,
सहज में नहीं टूटती है, घी पी पी करके। मैया बोली ये मेरी सास का समय की मटकी, और इतना तो छोटा मटकी नहीं, मटकी इतना बड़ा विशाल मटकी और इतने मोटी मटकी, बोली ये सास की समय की ये मेरी मटकी, और ये घी पी पी करके कितना ये मजबूत हो गया था। बंगाली मायरा कथा बोलवे ना, केचाल करवे ना, ऊपर के केचाल कर छे उधर काम धरे बाहर पे कर दो, एकदम केचाल करवे ना, बाहर के ये करवा। हरे कृष्ण। इसलिए यदि ये इतने मजबूत हो गई थी और इसको तुमने तोड़ दिया, बोले पहले तो दूसरे दूसरे घर में मटकी फोड़ता था, अभी अपना घर में तुमने मटकी फोड़ दी, बोले ये धीरे 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 दुष्ट हो रहा है। अगर अभी से उसको शासन नहीं करना, लगता है हो सकता है बड़ा बनकर के बड़ा चोर बन जाएगा, हैं? फिर ज्यादा ही गड़बड़ी होगी, इसलिए अभी से उसको दंड देनी चाहिए। लेकिन वो गया कहाँ, ये तो गया कहाँ, अब उसको ढूंढो। देखो चोर जब चोरी करता है और ऐसे कुछ निशान छोड़ करके जाता है, ठीक ना, जो सीआईडी पकड़ लेता है, हाँ, वो पकड़ ही लेता है, कुछ ना कुछ छोड़ कर जाएगा, हैं? लेकिन कृष्ण तो छोटे मोटे चोर है, सबसे बड़े चोर है, हाँ? इसलिए कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, उसके बाद में गोपा गना नाम चोर दुकुल चोरम, उसके बाद में हाँ? अनेक जन्मा जित पाप चोरम चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामी। इसलिए कृष्ण सबसे बड़ा चोर है, जो मन को चोरी करता है और हृदय को चोरी करता है, पाप को चोरी करता है, दुख कष्ट को जो चोरी करता है। इसलिए बोले चौराग्र गन्नम, कितने सारे चोरों में कृष्ण सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़े चोर है। लेकिन चोरी तो उसने की, लेकिन कुछ उन्होंने चिन्ह छोड़ कर, बोले क्या चिन्ह, जब प्यार में भी ये दही लग गया था, हाँ, प्यार में भी दही लगी हुई थी, जब कृष्ण चलते चलते गए उसका चरण का छाप भी धीरे 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 पड़ते पड़ते गया। इतने में मैया ने हाथों में एक लकड़ी ले ली, धीरे धीरे जैसे बिल्ली चलता है ना, ऐसे धीरे 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 चलते रहे। यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया कृष्ण तो भगवान, क्या कृष्ण को पता नहीं था मेरे जो चरण का छाप पड़ते पड़ते जा रहा है, मैया ये छाप को देख करके मेरे को पकड़ ले, क्या कृष्ण को ये बात पता नहीं था, ये तो भगवान है। बोले कृष्ण सब जानते हैं, बोले फिर ये छाप क्यों छोड़ कर गए। तो इसको विषय में हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, बोले तेषाम सतत जुक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगंतम जनमां उपजन। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति सच हृदय से निष्कपट हृदय से मेरे को ढूंढता है, मेरे को ढूंढता है, बोले ददामि बुद्धि जोगंतम, मैं क्या करता हूँ उसको, मैं बुद्धि जोग में उसको प्रदान करता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, न अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्ध, न मेधया न बहुना श्रुतेन, जब वैसे वृणुते तेन लब्ध तस्से आत्मा विवृणुते तनुष्याम। यहाँ कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्ध, कोई सोचा भगवान को हम प्रवचन को द्वारा प्राप्त कर लेंगे, बोले नहीं, बोले बुद्धि को द्वारा, बोले नहीं है। इसलिए न टीकया टीका को द्वारा, बोले नहीं, कहते भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन, उनको किसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हो, बोले कैसे मिलेंगे, बोले सही जाने जा रहे देखो जाने, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके अपने आप जिसको जनाते हैं, वही उनको जान सकते हैं, उनको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अभी प्रश्न है, फिर जो जनाएंगे उनको कृपा करके, कब जनाएंगे, जब निष्कपट हृदय से हम उनको ढूंढोगे, निष्कपट हृदय से उनको, हृदय से उनको ढूंढनी चाहिए, फिर एक दिन ठाकुर जी जरूर मिलते हैं, जरूर ठाकुर उसको मिलेंगे। इसलिए अभी कृष्ण को पता है, जब तक मैं स्वयं मैया को अपने आप पकड़ में नहीं आऊं, मैया मेरे को प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए मैया ढूंढेगी। इसलिए कृष्ण ने क्या की,
अपना चरण का जो छाप है कृष्ण जान बुझ करके छोड़ कर दे, मैया मेरे को पा ले, है मेरे को पा ले। मैया ने धीरे 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 मैया धीरे धीरे जा रही लठिया लेकर के, और जा करके क्या देखा उसने, देखा एक तो मटकी फड़ाई पड़ा, फिर जा करके जितने मक्खन और जितने दही बंदर और कौओं को खिला रहा, मैया को तो और ज्यादा क्रोध चढ़ गया है। अरे खुद खाता तो कोई बात नहीं, ये कौए और बंदर को तो खिला रहे हो, मैया को और ज्यादा क्रोध आ गया, भले इसको तो कुछ सजा दंड देनी ही चाहिए इसको। इतने में मैया ने धीरे 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 चल रही थी, देखो अब देखना बंदर है ना बड़ा चालक है, बंदर देखे हो आप, देखना कहीं बंदर बैठा हुआ देखोगे, जितने जानवर में बंदर जिसे चालक और जितने चालक नहीं, आप देखना बंदर बैठा हुआ देखोगे बैठा नहीं, उसका दिमाग ना चार तरफ घूमता हुआ, पीछे तो कोई नहीं आएगा इधर तो कोई नहीं, चार तरफ पे उसका पूरा नजर रहता है। और अब कौए को देखना, कौए का देखो ना उसका एक आंख नहीं है, कौआ को भी देखना केवल एक दो चीज देखो, व्यक्ति देखा कौआ को सब समय ऐसे ऐसे करता रहेगा, बड़ा चतुर है कौआ, कहते हैं ये चिड़िया में कौआ सबसे चालाक चालाक और जानवर में बंदर से बड़ा चालाक है, बंदर बड़ा चतुर है। मैया जब धीरे धीरे लठिया लेकर के आ रही थी ना बिल्ली जैसे धीरे धीरे, दूर से बंदर और कौआ देख लिए, बोले देखो मैया तो लपटी लेकर के आ रही है, जरूर डालन कुछ काला है, हैं? इतने में जो कौआ है ना एक एक घूमना शुरू कर दिया, और जो बंदर थे वो धीरे 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 पीछे खिसकना शुरू करे। कृष्ण ने देखा भैया बंदर कौआ खिसक क्यों रहे, ऐसे होना भैया तो नहीं आ रही है, सचमुच से कृष्ण पीछे मोड़ करके देखा ना मैया पीछे खड़ी, अभी अभी मैया पकड़ने वाली, अभी अभी पकड़ने वाली। इतने में कृष्ण लगाया छलांग, छलांग लगा करके उन्होंने पहले ही कृष्ण, देखो चोर दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या बोला, एक मूर्ख और एक चालाक, लेकिन जो चालाक चोर है ना वो चालाक चोर क्या करता है, अगर गृह स्वामी जग जाते हो हमें मैं किधर जाऊंगा पहले वो प्लानिंग पहले से बना के रखेगा, अगर इधर गृह स्वामी जग गया वो इधर में भाग जाऊंगा। और जो कच्चा चोर होगा ना, जो पक्का चोर नहीं होगा, जो कच्चा चोर होगा वो ये चीज को नहीं देखेगा, ये चीज को वो नहीं देखेगा। कृष्ण तो पक्के चोर है, पिछले पहले से ही मेन रोड का दरवाजा को खोल कर रखी, अगर मैया इधर से आएगी तो मैं इधर में छलांग लगा कर चले जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण को पता है पहले जो माताएं होती थी ना घर से बाहर नहीं निकली, पहले स्त्रियां ऐसे हुआ करती थी जिनको मुखार बिंद चंद्र सूर्य तक भी देख नहीं पाते, क्योंकि हर समय वो अपना आड़ में रहती थी घर में, घर का काम माताएं, घर की काम सारी माताएं करती थी, और बाहर का काम कौन करते थे, पुरुष लोग करते थे, इसलिए इसलिए उनको पता है कृष्ण मैया इधर आएगा तो मैं उधर भाग जाऊंगा, हाँ उधर ही भाग जाऊंगा। इतने में कृष्ण को जब देखा पीछे मैया, कृष्ण छलांग लगाए और छलांग लगाकर जो मेन रोड में कृष्ण निकल गए। मैया सोचा तू कहाँ जाओगे, तो ये सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, घर की माँ है ये बाहर नहीं निकलेगी, आज सबके सब दीपावली मनाने के लिए गोवर्धन चले गए, आज कोई पुरुष लोग नहीं है, सब घरे माताएं हैं। इतने में मैया भी उसको पीछे, मैया भी भाग रही है, इसलिए इसमें बताए इति द्रेके साली नाय नामामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लासत कुंडलम गोकुल राजमानम यशोदा भियानु का लाभ लाभ मानम परम ऋष समाज तथा द्रोत कृष्ण भी भाग रहे हैं, और मैया क्या कर रही है,
कृष्ण को पीछे पीछे मैया भाग रही थी। जब भाग रही थी बोला आज कोई नहीं, आज तेरे को मैं बांध करके पकड़ करके दंडक दे करके रहूंगी। जब पीछे भाग रही थी, भागते समय मैया थोड़ी मोटी थी और कृष्ण तो 3 साल के हैं और कृष्ण तेजी से भाग रहे हैं। और मैया जब थोड़ी सी भागने लगी ना, मैया तो हाँपने लग गई है, मैया हाँपने लग गई, मैया से भागा नहीं जा रहा है। इतने में मैया अपना जो केस है उसमें बड़े सुंदर फूलों की माला से अपना केस को श्रृंगार करके रखी थी। जब चल रही थी उससे एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था। बोले क्यों? मानो फूल ये बता रहा है, बोले मैया तुम ये मत समझो तू अकेली हो, तेरे साथ में हम भी हैं। इसलिए आज सबके सब मिल करके कृष्ण को पकड़ेंगे, आज कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, तुम भागते रहो तेरे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, हैं? लेकिन जब थोड़ी दूर गए इतने में कृष्ण सोच रहा है भैया मैया को कब कहाँ तक भगाऊं, मैया तो हाँपने लग गई है, मैया को इतना कष्ट कैसे दूं। इतने में मैया कहती बोले लाला देख रहे हो मेरे हाथ में, क्या देख रहे हो मेरे हाथ में हाँ लठिया है, अभी फेंक करके मारूं। जब ऐसे किया ना इतने में कृष्ण ऐसे करके खड़े हो गए। बोले मैया मैं तो खड़े हो जाऊंगो लेकिन तेरे हाथ में लठिया देख डर लग रहा है, पहले ये लठिया को फेंक दे इसको बाद में मैं खड़े हो जाऊंगो। मैया ने बोली तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को मैं पूजूंगी, क्या करूंगी पूजूंगी। कभी पूजा किया कि नहीं बच्चों को, किसने किसने पूजा की हो, पूजा समझते हो मानना है, तेरे को मैं मारूंगी नहीं तेरे को मैं पूजूंगी है। इतने में मैया ने क्या किया, लड़िया को ऐसे पीछे ना घुमा करके छुपा दी, छुपा करके जा करके उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं तत्व द्रुत गोप्या, मतलब कृष्ण जितने तेजी से भाग रहे थे मैया उससे भी ज्यादा तेजी से जाकर पकड़ लिए, ज्यादा तेजी से। कहते भैया जिस कृष्ण को काल जबर भी नहीं पकड़ पाया, मतलब वायु रथा भी मन मन पुंगवाना, मतलब जिनकी चरण कमल को बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगिंद्र हैं, बड़े बड़े ध्यान करते 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 अपना श्वास को रोक करके सारे इंद्रियों को दमन करके कोशिश करते भगवान की चरण को चिंतन कर ले, लेकिन जिनकी चरण को उनको पकड़ने का दूर की बात छोड़ो, जिनकी चरण को भी स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए कहते यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नतम नखाग्र मरीचीन, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरण कमल की छटा को भी अपना हृदय में स्मरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कैसे मैया जसोदा कृष्ण को पकड़ तो पकड़ लिए, तो पकड़े कैसे कृष्ण को, तो तब तो द्रुत गोप्या, मतलब कृष्ण जितना तेजी से भाग रहे थे ना मैया उससे ज्यादा तेजी से भाग कर कृष्ण को उन्हें पकड़ लिए। मतलब भगवान से कोई ज्यादा तेज भाग सकता है, नहीं भाग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भाग सकता है भक्त, कौन भाग सकता है, भक्त ही भाग सकता है, भक्तों का जो भक्ति। इसलिए बोले के बापा वे वा के पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहे धार, के बापा वे वा के पार। इसलिए जो प्रेम की जो नदियां वो उल्टी बहती हैं, उल्टी बहती हैं, भक्त ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या एक और ग्राह्यम, मतलब भक्त ही मेरे को केवल प्राप्त कर सकते हैं, मेरे को जान सकता और कोई न तो बुद्धिया न तो टिकया, बुद्धि और टिका के द्वारा मेरे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैया जसोदा कृष्ण से भी, क्योंकि मैया क्या सोच रही है, तो मेरे कोख से जन्म लिया ना है, तो मेरे बेटा मेरे कोख से जन्म लिया है ना, हाँ कहाँ तक भागोगे, तेरे को जरूर मैं पकड़ूंगी। इसलिए कृष्ण ने मैया ने जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया, जो पकड़ लिया इतने में मैया क्या कर रही है, बोले दुष्ट हैं बदमाश, पहले दूसरे दूसरे घर में मक्खन चोरी करता था, आज मेरी सास का समय की मटकी कितने घी पी पी करके मजबूत हो गया था, तुमने ये मटकी को आज तुमने फोड़ दी है, मटकी को तुमने फोड़ दी,
इतने में एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ में लेट लिया। और जब मारने के लिए जाए ना, कृष्ण इधर से हो जाए, इधर मारने के लिए कह जाए कृष्ण उधर हो जाए, हैं उधर हो जाए। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि क्या कह रहे हैं, बोले रोदंत मोर नेत्र युग्मं मृजान्त कृष्ण कैसे रो रहे हैं। बोले मैया जसोदा कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दे, मोटी मोटी काजल लगा दे। इसलिए कृष्ण रुदंतम मोह नेत्र जुग्मा मृजंतम कैसे का कृष्ण रो रहे हैं। बोले शिष्य का शिष्य करके, देख रहा बच्चा जो ज्यादा रोते हैं ना, शिष्य का शिष्य करके रो रहे हैं। गले में त्रिवली पड़ी हुई है और मोह नेत्र जुग्मा मृजंतम दोनों हाथ को ऐसे ऐसे आंखों में अपना हाथों को मल रहे हैं आंखों को। अरे मैया ने जो काजल लगा दी थे ना, अभी वो काजल मिश्रित जो अश्रु कभी जैसे गंगा जमुना की झरी बहती हैं, कृष्ण को बक्ष स्थल को भिगा दोगे नीचे बह रहा है। इसलिए मुहुर नेत्र मुहुर मुहुर है करम भोज युग में न सातक नेत्रम। और कृष्ण बड़े डरे हुए, बोले क्यों, मैया मेरे को मारे नहीं, मैया मेरे को मारे नहीं। देखो जिनके डर से काल भी कांपता है। कृष्ण अगर तुमसे टेढ़ी नजर कर दिया ना, अगर इंद्र को तरफ तो देख दिया स्वर्ग में इंद्र डर जाता है, अगर ब्रह्मा को तरफ तक टेढ़ी नजर से देख दिया ना, ब्रह्मा के आसन डगमगाने लगते हैं। शंकर जी को तरफ देख लिया तो शंकर जी डर जाते हैं। इसलिए जिनके केवल अगर टेढ़ी नजर से विश्व ब्रह्मांड कंपायमान होता है। आज काल का जो काल है, आज क्या कह रहे सात अंक निस्त्रम, मतलब उनकी आंखों में बड़ा डर भरा हुआ। मैया मेरे को मारे नहीं, बोले मैया मेरे को मारना नहीं, मैया मेरे को मारना नहीं है, बारंबार कह रहे हैं सात अंक निस्त्रम मुहुर श्वास कम पत्र रेखांक करता। इसलिए मुहुर पुनः पुनः श्वास को छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, बड़े डरे हुए हैं, डरे हुए हैं यहाँ पर। इतने में मैया ने बोली ये बताओ ये मट्टी फोड़ी किसने। कृष्ण ने कहा ये बता भैया, मैं साची बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ में क्या काम, साची साची बता दे ये मटकी फोड़ी किसने। बोले मैया मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। बोले फिर मटकी फोड़ा किसने। बोले जब तू तेजी गति से तू जा रही थी दूध रक्षा करने के लिए, देखो जो पहले पहले पुरानी पुरानी माता है ना, मैं अपना मैया को देखा तो यार मैं इतने मोटी मोटी कौन से पहना करती, चांदी के मैं अपना माँ को देखा हाथों में इतने मोटी मोटी चांदी के, और यहाँ पर बाजू बंद में इतने चौड़ चौड़ मैंने देखा है, और गले में इतने बड़े बड़े चांदी के इतने बड़े बड़े गले में माला मैं अपना घर में देखा। इसलिए पहले माता ने 5-10 किलो तो कम से कम पहना है, हाँ ये सुना था। पहले होता था ना, अभी तो सोने पहने कर दिया तो चोर छीन लेगा, पहले तो चोर होते नहीं इतने। इसलिए माताएं पूरा सर से लेकर पैर तक सोने चांदी में अलंकार में एकदम भरे हुए रहती थी। बोले तुमने पैर में जो इतने मोटे कड़ुले कर रखी, जब तेजी गति से तुम जा रही थी जाते समय वो कड़ुले लग करके जो मटकी थी ना वो फूट गई, तेरे को नजर ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। मैया ने देखा, देखो कितना दुष्ट, देखो मटकी खुद फोड़े और कह रहे मैंने मटकी फोड़ दी है। बोले ये बताओ ये बंदर को किसने खिलाया, बोलो। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, तो जिसने बनाया उसने खिलाया है। इसलिए बोले तू बहुत बड़ा चोर हो गए हो। बोले मैया मैं चोर हो गया, मेरे पिता नंद बाबा है राजा का बेटा है, मैं चोर वंश में थोड़ी आया हूँ। कृष्ण सुना था बचपन में मैया जसोदा के कृष्ण का एक मामा था जिसका नाम था चोर गोप। बोले मेरे घर में चोर ना, तेरे घर में चोर गोप है,
मेरे घर में कोई चोर होगा, मेरे घर में राजा साहूकार, राजा का मैं बेटा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चोर हूँ। मैया ने देखा पता नहीं कहां से जो बात को सुन लिया, बोले इतने में कृष्ण ने कहा अगर मैं चोर हूं ना फिर मेरे को छोड़ दे, हैं? अगर मैं बंदर हूं मेरे को छोड़ दे, मैं बंदर को साथ में जंगल में रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा, छोड़ दे मैं जा रहा हूँ जंगल में। आप देखना छोटे बच्चे को दिमाग में जो घुस जाए ना बचपन में वही कर डालते। फिर मैया ने देखा बच्चा का स्वभाव क्या है, थोड़े समय के लिए तो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, खूब रोएंगे क्रोधित, देखना थोड़ी देर बाद में फिर मन बदल जाता है, थोड़ी देर बाद उनका मन अपने आप बदल जाता है, साथ हो जाता है, ये बच्चे का स्वभाव है। इसलिए मैया ने देखा छोटा बच्चा तो नहीं है, इसलिए अभी उनको थोड़ी समय के लिए मैं बांध कर रख देती हूँ, जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा ना फिर मैं खोल दूंगी, नहीं तो अगर छोड़ दूँ ना अभी बड़ा क्रोध में हो ना हो सचमुच से जंगल में चले नहीं जाए। और कितना कष्ट से कितना पूजा सेवा करके मैंने घर में एक लाला का जन्म मेरे प्राप्त हुई है। मैया ने बोले तू खाल और ये उद्दू खाल, तू खाल और ये उद्दू खाल, उद्दू खाल मतलब जिसको है उद्दू खाल जानते कि नहीं, उद्दू खाल होता है पहले ना और ढीकी भी होती थी पहले, वो मछली वैसली कुछ नहीं होता था है, इसलिए पहले एक लकड़ी होता था बड़ा लकड़ी, उसके अंदर में एक गड्ढा होता था, उसके अंदर में गेहूँ चावल देकर तो और इतना बड़ा एक होता था, इतना बड़ा होता था लकड़ी, उसको ऐसे ऐसे मार मार करके उखल, इसको मार मार करके उसमें गेहूँ भी उसमें पीसते थे, चावल भी उससे निकलता था, इसलिए पहले शरीर में इतना बीमारी नहीं होती थी और इतने कोई मोटे मोटे नहीं होते थे, क्योंकि शरीर का परिश्रम होता था ना, इसलिए शरीर एकदम तंदुरुस्त रहती थी। आप पहाड़ उत्तरांचल में देख लो, पहाड़ी अंचल में माता हमको पतली आए कहा पहाड़ के ऊपर नीचे उतरे होंगे, उनको शरीर में कोई बीमारी नहीं देखती, जितने शहर में ना जितने देखना शहर में जितने बीमारी, क्यों खाते और बैठ रहते हैं इसलिए मोटे मोटे बन जाते सब के सब, और लोग इसलिए तरह तरह का बीमारी होता है, शारीरिक परिश्रम होकर देखना ज्यादा बीमार नहीं होगा तुम्हारे शरीर में। पहले मैं अपना गांव में था, हमारा गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई गांव में कोई डॉक्टर, बड़े दूर दूर तक देखता था, 8-10 गांव दूर तक कोई एक डॉक्टर भी नहीं होता था, कारण क्या बोले इसको बीमारी नहीं बढ़ते थे, शरीर का परिश्रम करते थे, खेती में काम करते थे माता आई, और पुरुष लोग बड़े परिश्रम करते थे, फने का नाते कोई बीमारी नहीं पड़ते थे, है अगर ज्यादा कोई बीमारी पड़ गई ना मुझे थोड़ी सी पेड़ का थोड़ी सी जूस नहीं तो ये पेड़ का कोई थोड़ा रस इसको ले लिया बस बुखार बुखार सही हो गया खत्म, उससे ही टुटका फुटका में सही, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ता था ये सब चीजें लेने के लिए। इसलिए उसका नाम उखल है, कृष्ण उसको ऊपर में खड़े होकर के उन्होंने मक्खन चोरी की, बोले उखल और तुम भी खाल, खाल मतलब दुष्ट, तुम दोनों मिलकर के किया क्या मक्खन चोरी की, इसलिए आज मैं तुम दोनों को बांध कर रखूंगी, दोनों को मैं बांध कर रखूंगी। इतने में मैया जसोदा अपना केस पिता होता ना पिता से अपना केस को बांधते थे, उन्होंने अपना केस से पिता को निकाली, निकाल करके कृष्ण के जो बांधने के लिए गई ना उखल में बांधने के लिए गई, उसमें दो अंगुल कम पड़ गया, कितना अंगुल कम पड़ गया कहते उसमें दो अंगुल कम पड़ गया। इतने में मैया बोली वहां पर गोपियां खड़ी हुई थी बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आए, जब फिर उसने गांठ लगा करके फिर बांधने के लिए गई उसमें फिर भी उसमें फिर दो अंगुल कम पड़ गया, बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी लाकर गांठ लगाई फिर उसमें भी दो अंगुल कम पड़ी। गोपियां कह रही बोले मां विधाता तेरे लाला की ललाट में बंधन लिखा ही नहीं तो उसको बांधो कैसे। मैया को और ज्यादा जोश आ गया, क्या मेरे कोख से जन्म लिया मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके रहूंगी जो कुछ हो जाए, अभी जितने सारे ब्रज की रस्सियां सब के सब रस्सी गांठ लगाते 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 लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लेकिन वो जो दो अंगुल ना किसी तरह से दो अंगुल पूरी नहीं हो पा रहा है। और कृष्ण का कमर में जो करधन थी हा? करधनी वो जितना उतना उतना जितना था वो उतना ही है, लेकिन लंबी रस्सी लंबी होते जा रही है, लेकिन किसी तरह से ये दो अंगुल कभी पूरी नहीं पड़ रहा, किसी तरह से पूरी नहीं पड़ रहा है। मैया तो सवेरे से लेकर के शाम तक थक गई, जब किसी तरह से पूरी नहीं हुई, अभी गोपियां
खड़ी होकर के उनकी खिल्ली उड़ा रही थी, भले मैया इसको बांध नहीं सकती हो। मैया ने बोली, अभी मन मन में घर में जो सालग्राम ठाकुर जी थे उनकी चरण में शरणागत हो गई। बोले प्रभु सवेर से लेकर के शाम हो गई हैं, अब मैं आज लाला को बांध नहीं पा रही हूँ, तो मेरी लज्जा को बचा। जब उन्होंने शरणागत हो गई ना, शरणागत होते ही बोले माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने, बोले माँ की परिश्रम देख करके मैया ने बांधा नहीं, कृपया आसीत स्वबंधने, कृष्ण कृपा करके बंधन को स्वीकार किया, बंधन को उन्होंने स्वीकार किया है, मैया नहीं बांध पाई। जब स्वीकार की इतने में बोले तेरे पीछे सबर से शाम तक हो गया है, तेरे पीछे पड़ करके घर का सारे काम काम पड़ा हुआ, अभी कोई घर का काम नहीं हुआ, यहीं पर पड़ गया। जब उन्होंने बांध दी, अभी मैया जसोदा घर की काम काज कर रही थी। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, बोले भैया कृष्ण को जो बांधने के लिए कोशिश करती थी उसमें तीन अंगुल नहीं, चार अंगुल नहीं, पांच अंगुल नहीं, कितना अंगुल कम पड़ रहा था? कितना पड़ रहा था? कहते दो पड़ रहा था। बोले उसमें दो ही क्यों पड़ रहा था, इसका क्या कारण है? उसमें दो ही अंगुल क्यों कम पड़ रहा था, इसमें चार पांच अंगुल तो कम पड़ा नहीं, इसका क्या कारण है? तो हमारे विश्वनाथ को बहुत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हरे कृष्ण बुद्धि बता, उसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अभी बुद्धि दीजिए बताए, इधर इधर उधर से खड़े होते, जोर से बोलो, आवाज है होगी तभी हम भजन करेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा होगी तो ये भी संभव नहीं है। दोनों ही चीज होनी चाहिए, साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा। एक उदाहरण से पता लगती है कि देखो एक व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, तो अब वो निकलना चाहता है लेकिन निकलेगा कैसे? तो कोई व्यक्ति ऊपर से रस्सी डालेगा तब वो व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ के नीचे ऊपर आ सकता है, लेकिन ऊपर से रस्सी पड़ी हुई है, नीचे वाला व्यक्ति रस्सी नहीं पकड़ेगा तो कैसे बाहर निकलेगा? यानी कि नीचे वाले को रस्सी भी पकड़नी पड़ेगी और ऊपर से एक रस्सी भी डालनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जो रस्सी आ रही है वो है भगवान की कृपा, और जो नीचे से जो व्यक्ति पकड़ रहा है वो साधक की चेष्टा, है। बिना हम सोचें कि ये अरे एक और कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं आप, हमारे पर तो कृपा ही नहीं है भगवान की, आप लोगों की कृपा है भगवान की, आप लोग भजन कर रहे हैं, हमारे पर कृपा नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति कमरे में सोया हुआ है, सर्दी का मौसम है, कमरे में रजाई ओढ़ के कमरा बंद करके सोया हुआ है, और क्या अभी तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ, सूर्य उगा ही नहीं, अभी तो 8 बज गए हैं, कह रहा सूर्य उदय नहीं हुआ, क्या रजाई के अंदर मुंह ढक के सोएंगे तो क्या सूर्य दिखाई देगा? नहीं देगा, जब तक उसको हटाएंगे नहीं, अब रजाई को बाहर कमरे से बाहर नहीं निकल के आएंगे तो सूर्य तभी तो दिखाई देगा, ऐसे वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम भगवान की कृपा होगी तो हम भजन करेंगे, तो नहीं, हमको भी चेष्टा कर बाहर निकल के आना पड़ेगा। बोले ऐसे ही हमें गुरु वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा, सोचेंगे नहीं हम भजन करेंगे तो अपने आप अपना भजन, ये सोचेंगे अपने आप भगवान भजन कर लें तो नहीं होगा, उनकी कृपा भी चाहिए और साधक की चेष्टा भी चाहिए। और एक हमारे गुरु महाराज उदाहरण बताते थे, एक बिल्ली का उदाहरण और एक बंदर का उदाहरण। तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, तो मैं अपने बच्चे को मुंह में दबा के लेके जाती है, उसको बिल्ली के बच्चों को चेष्टा नहीं करनी पड़ती कुछ भी,
और एक बंदर का बच्चा जो होता है आपने देखा होगा, बंदर का बच्चा ऐसे करके पकड़ लेता है और बंदर उसको पकड़ता नहीं है, बंदर को नहीं पकड़ता है, बंदर का बच्चा उसको टाइट करके पकड़ता है और बंदर एक जगह से दूसरे एक छलांग लगा देता है, बच्चा गिरता नहीं है, नहीं गिरता ना। और यदि बच्चा गिर जाए तो बंदर उस बच्चे को शिकार नहीं करता, बंदर उसको नहीं उठाता है। और ये ही है कि देखो, एक है बंदर का बच्चा और एक है बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली का क्या करती है, बिल्ली अपने बच्चे को उठा के लेके जाती है और बंदर स्वयं अपने अपना ही रक्षा अपने आप करता है, उसको पकड़ता है, अपने माँ को पकड़ता है। और ऐसे ये दोनों चीज़ साथ में आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमको जब भजन करना है तो अपनी भी चेष्टा भी करनी पड़ेगी और दूसरे भगवान की कृपा को भी हमको प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना कर। जैसे अभी देखा ना बताया कि यशोदा भैया ने खूब कोशिश की, रस्सी से अपनी सिर की चोटी की जो रस्सी निकाली उसको सोचा कि बांध, कमर केवल 8 उंगल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उतनी ही कमर है, लेकिन मैया ने अपने सिर के रिबन कितना बड़ा होता है उससे भी नहीं बंध रहे। और पड़ोस की रस्सियों को लाए, अपने घर की रस्सियों को सब लेके आए रस्सियाँ, लेकिन वही 2 ही उंगल कम पड़ रही है। मैया चेष्टा कर जा रही है, चेष्टा कर जा रही, चेष्टा कर जा रही है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, नारायण से प्रार्थना करी, प्रभु ये मेरे पेट से बेटा जन्म लिया है, ये सारी गोपियाँ हैं देख के हंस रही हैं, आज मेरी इतनी बदनामी होगी, मैं अपने बेटे को नहीं बांध पाऊंगी, हे नारायण हे सारी राम जी मेरे पर कृपा करें। अभी भगवान की, भगवान भी देख रहे, भगवान सोचते आ रहे ये तो चाहता ही नहीं है, ये तो चाहता ही नहीं है, तो मैं इस पर कृपा क्यों करूँ, ये जब ये चाहेगा तो कृपा कर। अभी देखो लाखों करोड़ों आदमी दुनिया में है, यहाँ पर कितने लोग आए हैं, कितने लोग इस चीज़ को स्वीकार कर, कौन भजन भी कितने लोग कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति में कौन आया, शुद्ध भक्ति में कौन आया, शुद्ध भक्ति में तो कितने गिने चुने बड़े बहुत ही लाखों करोड़ों अरबों में से कोई 2-4 जने शुद्ध भक्ति में है। तो ये क्या है, जो जितनी मात्रा में चेष्टा करता है उतनी मात्रा में हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसी कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। गुरु वैष्णव का, जब तक हम गुरु वैष्णव का आश्रय नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और भगवान को हमने देखा भी नहीं है, भगवान हम भगवान को अभी हम सुनते हैं गुरु महाराज के वैष्णव के भगवान से सुनते हैं कि हम दर्शन किससे करते हैं, कान से करते हैं, आँखों से दर्शन नहीं करते, कान से दर्शन करते हैं। क्यों कान से दर्शन करते हैं, क्योंकि हम ये दर्शन क्या है, हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते 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 जब भगवान हमको भगवान के प्रति भजन करने के प्रति लोभ होता है, तब तो लोभ होगा नहीं, तो सुनेंगे नहीं तो लोभ कहाँ से होगा, सुनेंगे तभी लोभ होगा। इसलिए हमको गुरु वैष्णव से पहले कथा सुने, जब इनसे हम कथा सुनेंगे तब हमको कथा सुनते सुनते हमारे हृदय में लोभ आएगा, लोभ आते आते हमारे इच्छा होगी भजन करने की, फिर हमको एक इच्छा होगी, भगवान देखेंगे हाँ इसके अंदर लोभ जागृत हो गया है और लोभ जागृत इसकी इच्छा भजन करने के लिए, अब मैं इसको जरूर कर पाऊंगा, तब भगवान हरे कृष्ण खोल देते हैं, नहीं तो कल कल तक कृष्ण बंदे रहेंगे, कृष्ण खोल देते हैं। हाँ देखो, हाँ बांध कर नहीं है, गुरुदेव बोलते थे बांध कर नहीं है, भगवान को बनते रहने दो, नहीं तो कृष्ण भाग जाएंगे, कृष्ण कल खोलेंगे, कृष्ण कल ही खोलेंगे। हाँ देखो उसमें जो बताए जो होते, जो 2 अंगुल क्यों कमी पड़ता था, 2 अंगुल कमी पड़ने का तात्पर्य क्या है, आप लोगों ने सुना कहते ये रामानुज संप्रदाय में वो 2 नियम है, एक बढ़ेंगे और एक तिमेंगे, तो उन्होंने उदाहरण से समझाए, बढ़ेंगे तिमेंगे के मतलब क्या है, कहते एक बंदर में आए और एक मार्जार में आए, हैं कहते बंदर में आए मतलब क्या है, जैसे बंदर का बच्चा वो मैया को जोर करके पकड़ कर रखती है, जोर करके पकड़ कर रखती है, हाँ इसका मतलब है जो साधक चाहता है भगवान को पा करके ही रहेंगे, बताया मंत्र साधन कि वह शरीर पतन, देखो ध्यान देकर सुनो कि बड़े काम की बात है, इसलिए कहते हैं हम भगवान को पा करके ही रहेंगे, हैं भगवान को यदि बंदर का न्याय है, मतलब हम ऐसे साधन भजन करेंगे 24 घंटा में 24 घंटा हैं कि सहने की भोजने की वा जागरणी अहर निसचिंत कृष्ण बोलो भजन। महाप्रभु क्या कहते हैं,
सोते उठते जगते खेलते खाते सोते क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्या करनी चाहिए, हरि नाम कहनी चाहिए एकदम प्राण को। एक समय गुरु जी जब परिक्रमा कर रहे थे, गुरु जी के साथ में हम परिक्रमा करते करते ध्रुव टीला पर गए। जब ध्रुव टीला में गए वहां पर एक साधु था, वो साधु जब गुरु जी को पूछा, बोले गुरु जी मैं यहाँ पर भजन करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, हमने सुना ध्रुव महाराज ने 6 महीना में यहाँ भगवत दर्शन किया था, उसी लोभ से मैं भी यहाँ पर भजन कर रहा हूँ। बोले मैं बड़ा दिन हो गया अभी तक तो ठाकुर का दर्शन मिला ही नहीं, देख गुरु जी क्या कहेंगे। बोले देखो भगवान तभी मिलेंगे जब तुम्हारी प्राण होठ में आ जाए, समझते हो, प्राण तुम्हारी होठ में आ जाए, मतलब प्रभु जब अगर तू कृपा नहीं करोगे तो तेरी विरह में हम प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग दे देंगे, हैं प्राण त्याग देंगे। जैसे मैया यशोदा उसने क्या की, बोले तेरे को मैं बांध कैसे नहीं पाऊंगी, बांध करके ही रहूंगी, क्योंकि तेरे मेरे कोख से जन्म लिया ना, मैं नहीं बांध सकती हूँ। इसलिए मैया ने एकदम पूरा अपना जी जान लगा दिए, कभी ये बंदर का न्याय, फिर दूसरा क्या, बोले मारजार न्याय, बोले मारजार मतलब बोले बिल्ली, बिल्ली न्याय। आप लोगों ने बिल्ली देखे हो, कौन कौन बिल्ली देखे हो, सब देखे होंगे। आप देखना बिल्ली जब बच्चा जन्म देता है वो बच्चे को मुंह में पकड़े करके यहाँ से वहां वहां से वहां 10 बार दिन में 10 बार बदलाएगा, और वो जो बच्चा है ना मियाँ 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 करते रहेगा, और उसका माँ मुंह में पकड़ करके बारंबार उसको इधर उधर से घुमाते रहेगा। बिल्ली का बच्चा कोई कोशिश नहीं करता है, कौन यहाँ कोशिश करता है, बिल्ली कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसे लोग है कहते हैं अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर पता भी नहीं मिलता है, ठाकुर को इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिलता है। जब ठाकुर की इच्छा के बगैर पता ही नहीं हिलता है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा सब उसकी इच्छा से होगा, सब उसको इच्छा से। भजन साधन से कोई मतलब नहीं, हरि नाम नहीं करेगा, तिलक नहीं करेगा, माला नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। बोले कर उसको इच्छा के बगैर जब पता ही नहीं हिलता है, अरे हम क्या कर सकते हैं। बोले भैया ऐसे भी काम चलने वाले नहीं, इससे भी काम नहीं चलने वाले हैं, फिर क्या करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इच्छा हुई कि कहाँ वृंदावन जाएंगे परिक्रमा करेंगे, कोई जम्मू से, कोई दिल्ली से, कोई अशोक नगर से, कोई मद्रास से, कोई फरीदाबाद से, हैं बड़े दिन दूर दूर देश से आए हो। अब देखना अब आने के लिए शायद 1 साल से तैयारी करते होंगे, कर रहे थे 10 रुपया अगर बच गया, पति से झूठ बोल करके हमने सारे सामान खरीद कर लिया, बात 10 रुपया फिर 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया झूठ इधर उधर बोल बोल करके क्या करते, उसको जमा करते होंगे, है ना, ये नहीं जमा किए हो, फिर जा करके 1 साल से प्लानिंग करते करते किसी तरह से फिर आप लोगों ने ब्रजमंडल परिक्रमा में आए, पर कोशिश किया तभी तो आए ना, अगर कोशिश नहीं करते यहाँ आ सकते थे कभी, कोशिश नहीं करते तो यहाँ आ सकते, नहीं आ सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, पड़ेगा कोशिश करना पड़ेगा, हरिनाम माला तिलक मंगल आरती है, जिस समय मंगल आरती होता है ना देखना ठीक उसी समय में नींद सबसे ज्यादा बढ़िया आती है, सवेर नींद, लेकिन नहीं मंगल आरती में जाना, इसलिए 4 बजे उठ जाते हो, उठते कि नहीं, नहा धो करके तिलक लगा करके मंगल आरती में आते हो, लेकिन उसी समय बढ़िया नींद उस समय आता है, लेकिन आपने कोशिश किया तभी तो आए ना, कोशिश नहीं करते तो यहाँ आते ही नहीं है, कोशिश किया, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया बंदर, ये हो गया बंदर न्याय, बोले मार्जार न्याय क्या हो गया, तो बिल्ली न्याय क्या हो गया, अरे उसकी इच्छा के बगैर कुछ होगा ही नहीं, बोले नहीं ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, अगर कोई सोचे नहीं अपना चेष्टा से मैं तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं आप चेष्टा भगवान है बल पौरुष और बुद्धि से प्राप्त नहीं होते हैं, होते हैं कृपा से, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बोले ये दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो, मिला दो मतलब क्या, साधन करेंगे,
क्योंकि साधन के बगैर साध्य वस्तु मिल ही नहीं सकता है, साधन करना पड़ेगा। लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए? वो साधन होनी चाहिए शरणागत होकर के, बोले हे प्रभु हम तो तेरे नाम कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक तेरी कृपा नहीं होगा ना, जब तक गुरु वैष्णव, इसलिए भक्ति को कृपा सिद्ध बताया, ये साधन सिद्ध नहीं कृपा सिद्ध है, जब तक तेरी कृपा नहीं होएगा तब तक तेरे को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम रोज रोज ठाकुर के चरण में प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर जी का भजन गाते हैं, निवेदन करे प्रभु तो मारा चरणी अशोक अभया पूर्ण सर्वसाई। हम रोज रोज ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगा कुछ होने वाले नहीं। इसलिए साधन तो होनी करनी चाहिए, लेकिन वो साधन कृपा युक्त शरणागत तो हो करके वो साधन करोगे, वहां जब दोनों को होगा ना। अभी तक मैया जसोदा बात नहीं पा रहे थे, बोले क्यों नहीं पा रहे थे? कारण है वो अपना चेष्टा से कर रहे थे, मैं बांध करके रहूंगी, लेकिन तब तक कृष्ण बंधन में नहीं आए। लेकिन आए कब? जब उन्होंने जब देखा मेरा परिश्रम कोई काम नहीं हो रहा है, जब उन्हें ठाकुर की चरण में शरणागत हो गई ना, ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो, नहीं तो सबर से शाम कहोगे बस, कृपया आसीत सबंधने। माता परिश्रम, एक तो मैया की परिश्रम और कृष्ण की कृपा, बात दोनों मिल गया ना, काम बन गया, काम बन गया। इसलिए मैया यशोदा कन्या को कल में बांध दिया। इसलिए हमारे रोहिणी नंदन प्रभु कह रहे, कभी कभी ठाकुर जी को गुरु जी बांध कर रख देते, बोले बड़ा नक्शा तो बंधे पड़ जाओ, फिर कल ठाकुर को खोलेंगे, कैसे ठाकुर खुलते हैं कल हम इसको कथा सुनेंगे, ठीक है ना। बोले कल भी रोहिणी नंदन प्रभु भी थोड़ा बोलना कर, ठीक है। बच्चा कल दुर्भिष्ट कृपा सिंधु भय बचा पतितानंद पावने को वैष्णव को नमो नमो। ठीक है आप लोग चले जाओ, वहीं पर होगी कथा हो रही, जल्दी जल्दी चले जाओ और खिचड़ी खत्म हो जाए।